हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सो वी विल स्टडी टुडे अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेट होना, कोई भी चीज़ निकल जाना, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि या तो सेम कार्बन से या दो साथ वाले कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप्स रिमूव होते हैं, जिसकी वजह से उन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाए। ऐसे रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है, उसमें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाता है। तो दीस रिएक्शन इन्वॉल्व, दीस रिएक्शंस involve elimination or removal of groups, or you can say atom remove हो सकते हैं, atoms from the same or adjacent carbon atom और एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है। साथ वाली या सेम कार्बन से ग्रुप्स रिमूव होंगे, उसकी वजह से क्या होगा? सो दैट न्यू मल्टीपल बॉन्ड कौन से होंगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड is formed। उन दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जैसे सब्स्टिट्यूशन में किया था हमने, ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो रहता है हमारा, स्लो स्टेप जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी दो टाइप की हो सकती है। एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब देखिए कौन कौन सी दो टाइप रहेंगी एलिमिनेशन की, वो मैं आपको कराती हूँ। फर्स्ट वन होती है हमारी E1। इसको हम बोल सकते हैं वन मतलब यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? देखिए नाम से ही पता लग रहा है, यूनि मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा फर्स्ट स्टेप में। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इन द फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है इस रिएक्शन का, उसमें क्या हो रहा है, द सबस्ट्रेट, पहली बात तो उसमें हेट्रोलिसिस होती है, द सबस्ट्रेट undergo slow heterolysis। heterolysis क्या होता है? बॉन्ड का इस तरह से ब्रेक होना कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए और दूसरे पे एक भी ना जाए। तो heterolysis होने से क्या होगा? कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि भाई एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले गया उस पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन कार्बन तो पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगी। अभी मैं एग्जांपल से भी बताऊंगी आपको ये चीज कि कैसे होता है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना और एक आपका हेलाइड आयन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो उस पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम उसे हेलाइड लिखते हैं, ठीक है, एनायन बना रहा है। ये जो फर्स्ट स्टेप रहता है, दिस इज स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन इससे पता लगेगा, दिस इज स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है जी। एंड एज इट इन्वॉल्व, इसमें कितने, अभी हमने बात की थी यूनिमोलिक्यूलर, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए? As it involve कितने भाई? One। As it involve only one substrate, molecule, सिर्फ एक molecule involve हो रहे, तो हम इसको दे सकते हैं कि rate of reaction जो है वो एक ही molecule पे depend करता है आपका, ठीक है।
कैसे? देखिए, आपने कोई भी एल्केन ले लिया, इसमें यहाँ पे मैं हेलोजन लगा देती हूँ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये हाइड्रोजन लगा हो सकता है, कोई भी ग्रुप लगा होगा। अब क्या है, देखिए बेटा, इसमें हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ये जो आपका बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन के बीच में, जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है, एक इस एक्स हेलोजन का होगा। लेकिन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हेलोजन की, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके निकलेगा ही निकलेगा, साथ में ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा। साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले गया तो कार्बन पे अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इधर ये वाली कार्बन आपकी एज इट इज, प्लस एक्स पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले गया। तो आपका ये क्या बन गया, बीच में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बो केटायन। तो देखिए, जो आपने लिखा था, सबस्ट्रेट में हेट्रोलिसिस हुई, मतलब बॉन्ड इस तरह से टूटा कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कार्बो केटायन जनरेट हुआ हमारा इंटरमीडिएट, ये हमारा कार्बो केटायन बन गया। तो यहाँ तक डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद ये कहता है, और आपका देखो यहाँ पे हेलाइड आयन भी बन गया है, ये एक्स नेगेटिव क्या है, हेलाइड आयन है आपका। तो यहाँ तक तो समझ आया, ये वाला जो स्टेप होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और इसमें सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है सबस्ट्रेट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस एक पे ही डिपेंड करता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इन द सेकेंड स्टेप The intermediate, carbocation, second step में जो intermediate carbocation है, वो proton lose करेगा, rapidly loses a proton, वो फटाफट एक proton lose करेगा, उससे क्या बनेगा, to form, देखिए पहले बना के फिर ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। आपका ये कार्बोकेटायन था, ये कार्बोकेटायन जनरेट हुआ था इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में, इसमें से ये कह रहा है कि इसके पास बेस आएगा, बेस के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, एक प्रोटॉन को ले जाएगा विदाउट इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसी के पास बहुत है, तो ये सिर्फ एक एच पॉजिटिव निकाल लेगा। तो आपका एक तो एच बी बन गया, और साथ में क्या बना, ये जो बॉन्ड है, जो ये यहाँ पे छोड़ के गया इलेक्ट्रॉन, ये इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में आएगा, जिसकी वजह से अब आपका एल्कीन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो सेंटेंस इनकम्प्लीट रह गया था वहां पे हम लिख सकते हैं टू फॉर्म एन एल्कीन, एक तो एल्कीन बन रहा है प्रोडक्ट में एंड अ बेस। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट एल्कीन आ गया, एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्केन से एल्कीन बन गया। और ये वाली रिएक्शन दो स्टेप में होती है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं हम। दूसरे टाइप की अब जो आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है, वो होती है E2, SN1 SN2 थी ना, जैसे इसमें E1 E2, ये है आपकी बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। तो इसमें आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, बाईमॉलिक्यूलर, बाई मतलब दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे इस रिएक्शन में पहले स्टेप में। ठीक है, इट इन्वॉल्व सिंगल स्टेप, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगी, इट इन्वॉल्व्स सिंगल स्टेप। पहले स्टेप में क्या होगा, शुरू में बेस आएगा और वो एक प्रोटॉन को ले जाएगा, बेस पुल्स अ प्रोटॉन, जो उसमें सेकंड स्टेप में हो रहा है ना, इसमें पहले बेस प्रोटॉन को खींच लेगा सबस्ट्रेट से, फ्रॉम सबस्ट्रेट। अब उसकी वजह से क्या होगा, साइमल्टेनियसली साथ के साथ लीविंग ग्रुप,
साइमल्टेनियसली लीविंग ग्रुप जो होता है हेलाइड जो होगा आपका हेलोजन जो लगा होगा लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट्स विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर वो साथ के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकल जाएगा. एक साइड से प्रोटॉन निकल रहा होगा एक साइड से हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा होगा. लेकिन जो प्रोटॉन निकला है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला है तो ये चीज मेंशन कर देना. बट हाइड्रोजन जो निकली थी प्रोटॉन जो निकला था लीव्स इट्स इलेक्ट्रॉन बिहाइंड वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है लेके नहीं गया है ठीक है. और उसी की वजह से डबल बॉन्ड बनेगा टू फॉर्म अ डबल या मल्टीपल बॉन्ड. अगर ऑलरेडी डबल है तो ट्रिपल बन जाएगा डबल बॉन्ड. सब कुछ साथ के साथ हो रहा है दोनों चीजें. एवरीथिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली एवरीथिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली इकट्ठी हो रही है दोनों चीजें. उधर से प्रोटॉन निकल रहे हैं इधर से हेलोजन निकल रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ठीक है. एक ही स्टेप में दोनों चीजें हो गई है इस रिएक्शन में बाई मॉलिक्यूलर में इन अ सिंगल स्टेप. तो इसमें एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट तो बन जाती है वाया ट्रांजिशन स्टेट. तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा इसमें दोनों पे करेगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट. दोनों की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. सो इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. तो वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस केस डिपेंड अपॉन आर एक्स ऑल्सो एज वेल एज बी ऑल्सो. कैसे देखिए एग्जाम्पल से बताती हूं. ये आपका कोई भी रिएक्टेंट है यहां पे आप कह रहे हो कि पहले बेस आया इलेक्ट्रॉन लेके बेस ने प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लिया. उधर से साइमल्टेनियसली हेलोजन निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके. अब लेकिन जो प्रोटॉन निकला ना वो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया. उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए जिसकी वजह से एल्कीन जनरेट हुई साथ में ये एक BH बना BH और एक बन गया आपका हेलाइड आयन निकल गया ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन हम कह सकते हैं ये चीज कि डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं ग्रुप्स एलिमिनेटेड दीज जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन या दीज रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शन आर कॉल्ड एज अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम उसको एलिमिनेशन रिएक्शन. अब मैं फटाफट आपको बताती हूँ कि अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन में क्या होता है. देखिए जस्ट अ मिनट